चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो शायद कुछ ही लोग घर पे बनाते होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आइसक्रीम कोन की रेसिपी। अब आप सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम कोन वो भी हम घर पे बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल घर पे बना सकते हैं, एकदम मार्केट के जैसे आइसक्रीम कोन, वो भी विदाउट एनी मशीन, विदाउट आइसक्रीम कोन मोल्ड। तो चलें, मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने इजीली आप इसे बना सकते हैं घर पे और टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसक्रीम कोन बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल शुगर को पीस लीजिए। उसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून मैदा, 1 पिंच नमक का, और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें 2 एग व्हाइट ऐड कर रही हूँ। ये हल्का सा योग भी आ गया इसलिए इसका कलर येलो हो रहा है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग नहीं खाते हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड करें। मैंने पाइनएप्पल आइसक्रीम की रेसिपी भी अपलोड करी है, आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा दूध डाल के 3-4 टेबलस्पून इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इनफैक्ट आप कहें तो अच्छे से हम इसे बीट कर लेंगे। इस तरह से आप इसे फोक से, स्पून से, कैसे भी बीट कर सकते हैं। मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा बीट हो जाएगा और मेहनत कम। जो एग आप यूज़ करेंगे वो रूम टेम्परेचर के यूज़ करेंगे, फ्रिज में रखे हुए नहीं। और बटर भी आप मेल्ट करके यूज़ करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे। अपने हाथ से कोई ऐसी चीज़ बनाने का मज़ा ही कुछ और है जो लोग बना नहीं पाते। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, लोग ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। और बहुत ही इजी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए, ये बीट हो गया, ये रही इसकी कंसिस्टेंसी। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा दूध और मिला रही हूँ। टोटल मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम दूध यूज़ किया है इसमें। इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे। ये हमारा हो गया, ये देखिए, ये है इसकी कंसिस्टेंसी। ये इस तरह का लिक्विड है जैसे डोसे का बैटर हम बनाते हैं। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद फिर हम कोन बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं कोन। जब तक कि ये फ्रिज में रखा है, हम चल के कोन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। कोन बनाने के लिए ये मैंने एक बटर पेपर की शीट ली है, इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इसको कोन के शेप में हम रैप कर लेंगे, इसका एक कोन बना लेंगे। ये इस तरह से ये कोन बन गया। अब इसके इस साइड पे मैंने सेलो टेप लगा दिया ताकि ये खुले नहीं। इस कोन को ऊपर से मैं एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर दे रही हूँ, ये इस तरह से। ये देखिए, ये इधर से भी टेप से आप चिपका दीजिए। ये कोन हमारा बन गया। अब आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो तो आप इस कोन के अंदर, ताकि ये मुड़े नहीं, ये पेपर को फोल्ड करके मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ ताकि ये हार्ड हो जाए अंदर से, और जब आप रैप करें कोन तो वो आपके मुड़े नहीं। ये आइसक्रीम कोन मोल्ड हमने रेडी कर लिया इस तरह से। ये 20 मिनट के बाद ये बैटर भी हमारा रेडी हो गया। इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
ये देखिए, ये एकदम रेडी है, ये रनिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। बस एक चीज़ हमें चाहिए ये आइसक्रीम कोन बनाने के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो है नॉन स्टिक पैन। मैं ये नॉन स्टिक तवा ले रही हूँ, आप कोई भी नॉन स्टिक पैन पे इसे बना सकते हैं। इस तवे को अच्छे से हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद 2 टेबल स्पून बैटर को तवे पे डाल के इसको इस तरह से हम फैला देंगे। इसकी कुकिंग हम एकदम स्लो फ्लेम पे करेंगे। अगर आप जरा सी भी फ्लेम हाई करेंगे तो फिर ये डोसे की तरह इसका लुक हो जाएगा। जब ये इस तरह का कलर आ जाएगा, लगेगा कि ये नीचे से पक गया है, तो हम इसे किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से इस तरह से दबा के इसको कुक कर लेंगे। जब ऊपर से आपको दिखे कि कलर चेंज होने लगा है, तब आप इसको इस तरह से आराम से पलट दीजिए और दूसरी साइड से भी उसी तरह से कुक कर लीजिए दबा के। ये दोनों साइड से हमारा हो गया। अब जो हमने कोन मूल्ड बना के रखा था उसको इस तरह से तवे के ऊपर रख देंगे, इसी के ऊपर, और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे, बेसिकली कोन के ऊपर रैप कर देंगे उसको। ये काम आपको गरम गरम पे करना है। अगर ये जरा सा भी ठंडा हुआ आप तवे से उतार दें तो फिर आपका ये बनेगा नहीं, या तो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये फोल्ड हो गया। अब जहाँ पे ये फोल्डिंग है वहाँ पे हम थोड़ा दबाए रहेंगे ताकि ये खुले ना। जहाँ पे इसका फोल्ड ओपन है वहाँ पे थोड़ी सी देर दबा के रखेंगे। ये बन गया। अब ये आराम से इसका ये जो कोन मोल्ड है इसको हम बाहर खींच लेंगे और ये आराम से निकल भी आएगा। ये देखिए, ये गरम बहुत है, ये निकल गया कितनी इजीली। ये हमारा कोन रेडी हो गया। बस इसको आपको थोड़ी देर प्रेस रखना है ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए, ये इसका लुक। इसी बैटर से मैं चॉकलेट कोन भी बनाती हूँ। चॉकलेट कोन बनाने के लिए इस बैटर में 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके जिस तरह से पहले कोन बनाया था उसी तरह से ये भी। ये हमारे आइसक्रीम कोन रेडी हो गए, चॉकलेट कोन भी और प्लेन आइसक्रीम कोन भी। आप इसमें आइसक्रीम फिल करिए और इसे एंजॉय करिए। ये रहा इसका लुक अंदर से और बाहर से। लुक में तो ये जो मार्केट वाले हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि मशीन की बात ही अलग होती है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करते हैं। ये थोड़ी सी चॉकलेट लेके मैंने इसको ओवन में रख के दूध डाल के गर्म कर दिया। ये कुकिंग चॉकलेट है। उसके बाद ये कोन को लेके इसमें इस तरह से डिप कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से लग गया। ये स्प्रिंकल है, इसको मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। ये ऐसे, ये देखिए, ये स्प्रिंकल लगाने के बाद ये इसका लुक है। इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और ये इसी तरह से हमारा ये चॉकलेट कोन भी रेडी हो गया। ये देखें आप, ये है चॉकलेट कोन का लुक। इसी तरह से मैंने सारे कोन पे स्प्रिंकल और चॉकलेट लगा दी है। ये देखें, ये रेडी हो गए। अभी मैं आपको इसमें आइसक्रीम फिल करके दिखाती हूँ। ये वैनिला आइसक्रीम मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा चॉको चिप्स लगा दिए है और ये हमारी कोन वाली आइसक्रीम रेडी हो गई। ये कोन आप बना के रख सकते हो और कई दिन तक इन्हें यूज कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है। ये हमारे आइसक्रीम कोन रेडी हो गए, होममेड आइसक्रीम कोन। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। अगर मेरी ये आइसक्रीम कोन की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।